आप पहले जरा पहले प्रोडक्ट्स देखते हैं। ये सब शैम्पूज हैं, शैम्पूज हो गए। दिस इज ऑल पर्पस शाइनर, इंटीरियर ड्राई फोम। उधर से फटी है, ये तो फटी हुई है। हाँ, छेद हो गया उसको। अरे उधर कट था ना हाथ में। क्या है सेरामिक टायर शाइन, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये सारे प्रोडक्ट्स अपने को फोटोशूट करना है। ठीक है, चलते हैं नीचे पिक करते हैं। ठीक है, देख मैं सच्ची बोलू, मैं श्योर नहीं हूँ ये कैसा निकल के आएगा। ठीक है, तुम एटलीस्ट ट्राई करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अगर नहीं भी हुआ दोबारा करेंगे। आज हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग और साथ साथ इनका फोटोशूट। तो हमने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि हम अपना खुद का DIY प्रोडक्ट रेंज ला रहे हैं, कार केयर एंथुजियास्ट के लिए जो अपनी गाड़ियों का केयर करना चाहते हैं, बट अच्छे प्रोडक्ट्स ना होने की वजह से या सही प्राइस पॉइंट्स पे प्रोडक्ट्स ना होने की वजह से नहीं कर पाते हैं। टाइम देना चाहते हैं बट नहीं दे पाते क्योंकि उतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, एंड क्योंकि वी आर pretty relevant in the industry and we have good experience, तो हमने सोचा हम ही क्यों ना testings वगैरह करके अलग अलग जगह घूम के अच्छे products को shortlist करें and then car care enthusiasts के लिए निकाले। हमारा range of product बहुत जल्दी आने वाला है and अभी जो है हम उसका final product के ऊपर जो photo आनी है हम उसके लिए photo shoot भी करेंगे, साथ ही साथ products को testing भी करेंगे क्योंकि हमारा designing भी side by side चालू है। तो एक बार वो करते हैं और देखते हैं कैसा आता है। तो हम ये गाड़ी क्यों ले रहे हैं? हम ये गाड़ी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अभी final stages में थोड़ी गंदी है, तो जो भी हमें दो चार चीजें टेस्टिंग करनी है इस पे करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे दिखेंगे। जितना खराब कंडीशन की होगी आप उतना अच्छा दिखा पाएंगे कि प्रोडक्ट्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। तो लेट्स डू दैट वंस। जो फोल्ड स्टार्ट करते मैंने बहुत बार देखा है, स्पेशली अभी की जो जनरेशन है उनमें बहुत ऐसी चीजें, गाड़ी ऑन करते सीधा चलाने लग जाते हैं। इंजन जो है ना वो हमारे शरीर की तरह एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म जैसा है। हम जब सुबह बिस्तर पे उठते हैं ना सोके, क्या आप भागने लग जाते हैं सीधा? गेट अप, यू स्ट्रेच योर लेग्स, यू स्टैंड अप, थोड़ा सा वॉक अराउंड एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर डेली एक्टिविटीज। गाड़ी का भी सेम वैसा ही है। कोल्ड स्टार्ट अगर करते हो थोड़ा सा उसको रखो, ब्रीथ करने दो इंजन को, थोड़ा सा हीट होगा इंजन, उसके बाद चलाना चालू करो। इससे क्या होगा, इंजन की एक तो लाइफ इंप्रूव होगी, बढ़ेगी, एंड दूसरी चीज योर कार विल बी बेटर विद यू, इन द सेंस आप उसका ये ध्यान रखोगे ना, आपके साथ गाड़ी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी आपको। जितने ज्यादा हम कोल्ड स्टार्ट करके उसको रन करेंगे ना इंजन, उतना ही क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा विश्वास उस पर कम हो जाएगा, जो कभी भी कुछ भी रिएक्ट करने लगेगा। एंड आई एम श्योर जो लोग एंथुजियास्ट हैं और जिनको पता है इस बारे में वो बोलेंगे अरे और भी बहुत चीजें होती है, पर मैं ये ब्रीफली बता रहा हूँ कि ऐसी दो चीजें हैं, जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को करना चाहिए। ओके, सो आई एम सेइंग लेट्स स्टार्ट विद टायर वाला प्रोडक्ट, उससे एक बार स्टार्ट करते हैं और उसका फोटो लेने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझ। राघव भाई थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना। हम जो प्रोडक्ट रेंज लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमारा पर्पस वही है कि वो इजी टू यूज रहे हैं। और जो तो एरोसोल वाली बात पूछ रहा था उसका रीजन भी यही है, जैसे मैंने अभी स्प्रे किया, इट्स वेरी इजी, तुम एक बारी में पूरा हाथ घुमाओ अच्छे से उसको स्प्रे कर लो। यहीं पे अगर कुछ ऐसा लिक्विड रहा जो स्प्रे रहा तो उसको फट 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 मारने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ दर्द हो जाता है जब तुम्हें इतना यूज करना हो। तो दैट्स व्हाई वी हैव कम अप विद सम सर्टेन सॉल्यूशंस जहां पे इजी टू क्लीन हो। दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े हाइब्रिड किस्म के रहने वाले हैं, क्लीन भी उसी से हो जाए, शाइन भी उसी से आ जाए, रादर देन तुम पहले बैठ के क्लीन करो और उसके बाद फिर तुम उस पर कुछ शाइनर लगाओ। तो इट्स 2-in-1, 3-in-1 टाइप प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जैसे डर्ट बस्टर है, तो तुम्हें बैठ के घसने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्प्रे करने से काम हो जाएगा, थोड़ी देर छोड़ देना। यहाँ पे देख रहे कैसा येलो हो गया फोम पूरा, ये देख कैसा व्हाइट है फोम और वो फिर येलो हो गया पूरा, क्योंकि उसने सारी मिट्टी जो है वो खींच ली है। अभी टायर तुमने देखा था ना कितना गंदा था, अभी तो इसे क्लीन करके दिखाता हूँ। ओ भाई तो बढ़िया हो गया है, देख कितना इजी टू क्लीन है, देख
बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया इसी से। नो प्रेशर वॉश, नो स्क्रबिंग, कुछ नहीं, कुछ साफ वाफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कपड़ा लेके पोंछ देने का। नाउ दिस विल लास्ट टिल योर फॉर अनदर वीक और सो, जितना चलाओगे ऑफ कोर्स उस पर डिपेंड करेगा, बट तू फर्क देखना, अभी वो वैसा था जैसा पीछे वाला टायर है और अभी ऐसा हो गया, तो क्लीन भी हो गया, ग्लॉस भी आ गया, और हमें कितना 10 सेकंड लगे, फर्क तो है। और सबसे अच्छी चीज हाथ साफ है ना, कुछ नहीं आता हाथ में, नो ऑयली डिपॉजिट और एनीथिंग, कुछ भी नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ इसको एक को ले जाके एडिट करके देखते हैं फोटो को अच्छे से कैसा लग रहा है उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करके, और फिर शेयर करते हैं, थोड़ा रिव्यू वगैरह पूछते हैं कानू भैया का भी। समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करे, होता है ना अरेंज मैरिज में दिखाए कुछ और बाद में मिला कुछ और। फोटोज में बिल्कुल लगा नहीं था इतनी खराब कंडीशन में है गाड़ी, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में, बहुत ज्यादा। बोनेट खुलता है क्या? हाँ बोलो ना। वायर आता था तेज भाई, पद्मिनी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, पद्मिनी इसके आगे कुछ भी नहीं। हाँ है तो हैंडब्रेक खींचा हुआ है फिर भी पीछे जा रही है, ये तो ही नहीं है जबकि तो गाड़ी है 1962 मॉडल की होगी। यार आलम बहुत दिन से ना एक काम पेंडिंग है, मैं सोच रहा था खत्म ही करवा लूं। ये भेजे थे यार, हाँ सब्सक्राइबर ने ना ये भेजे थे, हेलमेट स्टैंड है बड़े सुंदर थे, मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे हम लगा लें यार। और एक और चीज लगानी है, एक और सब्सक्राइबर ने और एक बहुत अच्छी चीज भेजी थी भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल थी, किसी ने ड्रॉ करी है। हाँ बहुत सुंदर है, बैटमैन में वो ऐसा डिजाइनिंग करते है ना, तो वो व्हीकल डिजाइन कैसे क्या होना चाहिए वैसा उसने बनाया था, बहुत सुंदर बना के दिया था। कहाँ लगाओ सौरभ, कुछ बचा ही नहीं है वाकई, सब भर गया। देख ले जरा इसको बिठा दे तो ये कैसे रख लेंगे, सही लग रहा है यार वाकई। हाँ ऐसा कुछ नहीं, वो लोगो कवर हो जाएगा उसके नीचे रख। ऐसे लगाया तो यार ये भी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ यहाँ लगा दे आलम, वो कोना बाइक के गियर्स का कोना बनते जा रहा है। अरे ये छोटे छोटे काम साले पड़े ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते कभी। ये पीस ऐसा है कि ये जगह पे परफेक्ट बैठेगा, देख देख रहे शक्ल कितनी अजीब लग रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं, बनाया पर बहुत अच्छे। हाँ पर एक बात है, एक बार ये बैठ गया फिर ये हट नहीं सकता, वरना वो छेद रह जाएंगे दिखेंगे, क्योंकि वो छोटा है ना पीस। और वो वाला पीस वहाँ कैसा लग रहा है, लगाइयो एक मिनट वो भी देख ही लेते हैं। आलम इधर ले थोड़ा लेफ्ट, हाँ यहाँ 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 दोनों के बीच में ऐसे, सही है सौरभ वो जगह? यार कलर कॉन्ट्रास्ट तो वाकई जा रहा है, जा रहा है ना। हाँ पर बहुत ऊंचा तो नहीं लगेगा, तुम ही देख लो। ऑड लग रहा है क्या, पढ़ा नहीं जा रहा। चल आलम ठीक है, वो तो उधर वो तो लगा है, आलम दिखाइयो वो लगा के वहाँ कैसा लग रहा है। लग तो प्यारा रहा है यार, ऑल डन। यस एक कमरा, ये तो एकदम परफेक्ट है यार, ये कोना तो हमने पहले ही बना दिया के लिए। एक्चुअली ये फोटो का सीन ऐसा है, ये क्रिएटिव किसी और ने बनाया था और फिर ये पेंट किसी और ने बनाया उसकी क्रिएटिव पे, ये बनाया था और फिर किसी ने उसका ये बनाया, ये जिसने ये बनाया ना उसने ये नाम लिख दिया साइड में, ये उसने डिजिटल बनाया और वो उसने पेंट करके, और वो उसने पेंट करके हाथ, क्योंकि हमने शेयर किया था कि किसी ने ये बना के दिया हमें, तो उसने पेंट करके दे दिया। पर जिसने भी बनाया थैंक यू भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने ये बनाया है तो नीचे कमेंट कर देना, रहे हो या रहे हो, रही हो या रहे हो। तो अभी हमारे यहाँ हेलमेट बैठ गया, हमारा यहाँ पे एडी वेटर बैठ गया, सेबेस्टियन वेटल नहीं है, सेबेस्टियन वेटल गाड़ी चलाता है। सबको लगता होगा कि हम गाड़ियों को काम करते हैं तो पोस्टर भी लगाते होंगे, बट ये पर्ल जैम बैंड का लीड सिंगर है एडी वेटर। ये गाना मेरा वन ऑफ दी फेवरेट है, तो मुझे ये पोस्टर दिखा था तो मैंने ले लिया था। बाकी वहां पर हमने वो आर्ट लगा दी, एक एक करके काम खत्म कर रहे हैं, ये रूम भी कर दिया, नीचे का स्टोर रूम आज क्लीनिंग कर रहे हैं, ये स्टोर में भी बहुत सारे काम है, सामान ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना है। एक लड़का कोई डिटेलिंग में हो तो या किसी को भी बुला ले, जरा यहाँ हेल्प कर देगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टडी टेबल ऑफिस टेबल मंगा दिया है मैंने,
वो परसों आएगा, उस पे अपन कंप्यूटर बिठाएंगे, तो अभी के लिए इस टेबल पे बिठा देते हैं और वेइंग स्केल इस पे रख देंगे। ये इधर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेंट बन जाएगा और यहाँ पे पेंट रहेगा। तो सबसे पहले ये मोबाइल वगैरह हटाओ, ये पहले ये हटाओ ना, पहले ये वाला रैक इधर हटाते हैं। हमारी वर्कशॉप के सामने के साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हमारी वर्कशॉप के पीछे के साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और पिछले 7-8 महीने में काम इतना ज़्यादा था, और बाकी हमारा स्टोर कीपर जो डेडिकेटेड था वो भी नहीं था, तो हम लोग को ये सब ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रखा था। आज मैंने सोचा कि इसको कर ही डालते हैं, पूरा ठीक ढंग से स्टोर को रेडी करते हैं सिस्टमेटिकली, और इन्वेंट्रीज जैसे हम पहले लिया करते थे वैसे सब लेना शुरू करते हैं। हमारी टीम में से एक मेंबर जो है अभी ये स्टोर मैनेज करने वाला है, तो चीज़ें कन्वीनियंट हो जाएंगे। उसके लिए मैं ऐसे देख नहीं सकता, जब तक चल रहा था ठीक है चल रहा था, इस तरीके से काम होता नहीं है, तो अभी इसको ठीक ढंग से पूरी सफाई करना। जगह बची नहीं है। अरे कमरा बहुत पॉजिटिव है यार। फील आती है। अब बस जैकेट खरीदने। लंबा चल गया कार्यक्रम, 10:30 बजे। पर तूने स्टोर देखा अभी अंदर से? नहीं। बता ना अभी बासी का काम। फ्रेश। ओ भाई साहब। कलर चेंज हो गया ना? हाँ। अभी और खुल जाएगा। सामान सारा अंदर ठीक से रैक जब भर जाएंगे ना तब आएगा फील। हम लोग यूजुअली 4-6 महीने में ये प्रोसेस करते रहते थे, बट पिछले कुछ महीने से सामने हमारे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा पीछे भी चल रहा है वो चक्कर में ये नहीं कर पाए। धूल मिट्टी इतनी हो गई थी, आज ऊपर से पूरा क्लीन कराया, ये सारा क्लीन कराया, सारे रैक हमने धोए, के बाद अंदर का पूरा सब क्लीनिंग किया, कल पार्ट्स वगैरह रखने हैं। अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है अंदर से। पुराना 8-8 साल पुराना। तो आप देखो कितना सामान है, बहुत ज्यादा है। वैसे अभी जो काम का नहीं है वो सामान भी हटाना है हमें, ऐसे करके एक एक करके सेक्शन वाइज पूरी वर्कशॉप क्लीन करेंगे। चलो निकलते हैं। यस। अच्छा रहा आज का दिन, प्रोडक्टिव। भसड़ है यार इस कमरे में। बिल्लू का? अच्छा कैसे? तो हम उसका बिल्ले को उसका ख्याल रखने के लिए छोड़ कर आए हैं ना। बीमार है। देख क्या तू, देख वीडियो है। अब देख ये थोड़ा सा बाहर आ गया, ये कितने अच्छा लग रहा है ना अभी। अभी भाई ये कैसा लग रहा है, ये तुम लोग का बाल कैसा है ये? अरे कैसा बाल लग रहा है मालूम है क्या? ये डिटेलिंग का ब्रश यूज करते है ना, पूरा ड्राई ड्राई वैसा लग रहा है सच्ची। अरे इसको थोड़ा सा पानी मार। पानी नहीं है क्या ये?